स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस सर, इट इज विजिबल. शैल आई स्टार्ट? यस सर. ओके, टुडेज टॉपिक इज इमेज एनहेंसमेंट. इमेज एनहेंसमेंट, वी कैन मॉडिफाई और वी कैन एनहेंस द इमेज विद द हेल्प ऑफ टू टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज अ स्पेशियल डोमेन टेक्निक्स एंड सेकेंड वन इज अ फ्रिक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स. इन स्पेशियल डोमेन टेक्निक, सपोज स्पेशियल डोमेन टेक्निक, सपोज वी हैव अ इनपुट इमेज इमेज, देन वी कैन प्रोसेस द इंटेंसिटी ऑफ द इनपुट इमेज एट एवरी इंस्टेंट. वी कैन मॉडिफाई द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इनपुट इमेज एंड वी गेट द प्रोसेस्ड इमेज. प्रोसेस्ड इमेज और वी कैन से दैट आउटपुट इमेज. सिंपल, अगर हम इंटेंसिटी किसी भी इनपुट इमेज की अगर इंटेंसिटी को मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो हमारे पास वो कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी? हमारे पास स्पेशल डोमेन टेक्निक. जैसे कोई भी आपके पास इमेज है, उस इमेज को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं. दैट इज अ एक्स वन वाई वन, सपोज दैट इज अ इंटेंसिटी ऑफ दैट पिक्सल. तो अगर इस इंटेंसिटी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, दैट इट कम्स अंडर द स्पेशल डोमेन टेक्निक. नेक्स्ट इज द फ्रिक्वेंसी डोमेन टेक्निक. फ्रिक्वेंसी डोमेन टेक्निक में किस तरीके से हम एनहेंस करते हैं? फ्रिक्वेंसी डोमेन टेक्निक में फर्स्ट वी शुड टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म और एनी अदर फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट इमेज इन वेट अ मिनट, आई थिंक बोर्ड इज नॉट वर्किंग, डिजिटल बोर्ड. फर्स्ट आप क्या करते हैं, इनपुट इमेज को आपने क्या किया, कन्वर्ट किया. इमेज को कन्वर्ट किया आपने फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म टेक्निक की हेल्प से. कोई भी फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म टेक्निक अप्लाई, देन यू कैन मॉडिफाई द कोफिशियंट ऑफ दैट फ्रिक्वेंसी डोमेन. कोफिशियंट को आप मॉडिफाई करते हैं, देन मैनिपुलेशन कर लिख सकते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी कोफिशियंट. देन आफ्टर दैट यू हैव अप्लाइड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक एंड यू गेट दैट आउटपुट इमेज और वी कैन सी दैट प्रोसेस्ड इमेज. तो दो मेथड हैं आपके पास. फर्स्ट वन इज़ अ स्पेशल डोमेन टेक्निक, किस तरीके से आप इमेज को एनहेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ फ्रिक्वेंसी डोमेन टेक्निक. फ्रिक्वेंसी डोमेन टेक्निक मैंने फर्स्ट आपको बताया, इनपुट इमेज का आप क्या लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन मैनिपुलेट द फ्रिक्वेंसी कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन, देन यू कैन टेक अ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड यू गेट द आउटपुट और वी कैन से दैट प्रोसेस्ड इमेज. आई थिंक क्लियर है दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है. तो स्पेशल डोमेन टेक्निक्स में लिखा है कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं पॉसिबिलिटी. पॉइंट प्रोसेसिंग, हिस्टोग्राम बैंडविड्थ, हिस्टोग्राम बेस्ड टेक्निक्स, मास प्रोसेसिंग, दीज आर द स्पेशल डोमेन टेक्निक्स. बेसिकली हम पर्टिकुलर पिक्सल को पॉइंट आउट करते हैं एंड मॉडिफाइड दैट पिक्सल इंटेंसिटी. सिमिलरली फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमें लिखा है मॉडिफाइड द TFT कोफिशिएंट ऑफ एन इमेज. हमने कोफिशिएंट लिया, फिर देन टेक द इनवर्स DFT एंड वी गेट द आउटपुट इमेज. सिमिलरली इन केस ऑफ स्पेशल डोमेन वी कैन राइट डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ पिक्सल इज एन इमेज. क्लियर है? तो इस तरीके से हम इमेज को एनहेंस करते हैं. तो वन बाय वन हम टेक्निक्स को रीड आउट करेंगे. नेक्स्ट, किस तरीके से हम सपोज आपके पास कोई भी आपके पास फंक्शन है, अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कोई टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, देन यू गेट द आउटपुट ऑफ दैट इमेज. इन केस ऑफ इमेज सेक्शन वी हैव अ 2D मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दैट
fxy is a transform, or we can say that modify with some condition, and we get the processed image intensity, right? So next, this is a point processing basically processing. नेक्स्ट, सपोज आपके पास कोई एक पिक्सल है और पिक्सल के अक्रॉस आपको पता है एन एट नेबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नेबरहुड का साइज कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इन इमेज एनहेंसमेंट. तो अगर पर्टिकुलर इस पिक्सल के एनहेंसमेंट में अगर ये नेबरहुड हेल्प कर रहे हैं, ओवरऑल हेल्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मास्क प्रोसेसिंग. और अगर हम इंडिविजुअल पिक्सल को प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट प्रोसेसिंग. तो वन बाय वन पहले हम डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से. अभी हम स्पेशल डोमेन का ही डिस्कशन कर रहे हैं. तो मास प्रोसेसिंग एंड पॉइंट प्रोसेसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड पॉइंट प्रोसेसिंग. पॉइंट प्रोसेसिंग मीन्स कि जो नेबरहुड जो हमने एज्यूम किया था अभी 3x3 का, उसमें नेबरहुड साइज क्या रहता है, 1x1. 1x1 मीन्स जो भी हमें एलिमेंट मॉडिफाई करना है, दैट सिर्फ और सिर्फ वही इसके अंडर में आएगा, राइट? तो अगर हमें इसको मॉडिफाई करना है, तो हमने इसमें यहाँ फंक्शन में पास किया ओरिजिनल इमेज का पिक्सल वैल्यू इन ओरिजिनल इमेज, देन ट्रांसफॉर्म फंक्शन अप्लाई किया, देन यू गेट द पिक्सल वैल्यू ऑफ द एनहेंस्ड इमेज, राइट? अब ये फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं. सपोज इस फंक्शन के अंदर आपको क्लियर है कि आर इज़ अ इनपुट एंड टी आर इज़ आउटपुट, विच कैन से दैट द पिक्सल ऑफ एट एनहेंस इमेज. तो अगर हम पॉइंट आउट करें, सपोज इस टाइप का आपके पास पिक्सल है, ये आपके पास फंक्शंस हैं, तो आपने नोटिस किया ये क्या साइड है, 0, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वन साइड, और वी कैन से दैट 255. 255 किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, 255 और 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है? अगर ग्रे लेवल की बात करें तो हम 255 बोलेंगे. तो 255 रिप्रेजेंट करता है लाइटर पार्ट को, बेसिकली वाइट कलर को, एंड 0 शो करता है डार्क पार्ट. तो सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डार्क एंड लाइट. सिमिलरली जो भी आउटपुट आएगा उसकी इंटेंसिटी लेवल भी वाई एक्सिस पे डिफाइंड होगी, दिस इज़ अ डार्क पार्ट एंड दिस वन इज़ अ लाइट एरिया, राइट? तो अगर हम सपोज इस पर्टिकुलर पिक्सल की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास इनपुट इमेज का पिक्सल ये था, हमने फंक्शन अप्लाई किया, देन यू गेट द अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन यू गेट दिस वैल्यू, दिस इज अ आउटपुट एनहेंस्ड इमेज पिक्सल वैल्यू. तो अगर इस पिक्सल से पास करेंगे तो हम जो भी आपके पिक्सल्स हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट फंक्शन आपको इस तरीके से है. इस फंक्शन में बेसिकली आप नोटिस करेंगे तो हमने क्या क्या स्ट्रेचिंग कैसे करी. सपोज मैं आपको ये पिक्सल, ये और ये रेंज मैंने आपको यहाँ डिफाइंड किया, आपने यहाँ नोटिस किया कि स्मॉलर रेंज ऑफ इनपुट इमेज इज कन्वर्टेड इनटू द लार्जर रेंज ऑफ द आउटपुट इमेज. लार्जर रेंज है, आपने एक पर्टिकुलर स्मॉलर रेंज के आपने इनपुट सिग्नल्स को क्या लार्जर रेंज ऑफ द आउटपुट इमेज में आपने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कर दिया बेसिकली. तो नेक्स्ट आपके पास एक पॉसिबल है कि इस तरीके का फंक्शन हो, दैट इज कॉल्ड एज द डार्क साइड, दैट इज द लाइट साइड, दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन. थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन मीन सपोज आपके पास एक पिक्सल इनपुट वैल्यू आर है, आप अगर इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, आर वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं इनपुट इमेज के पिक्सल की, अगर ये लेस देन है तो इट मीन्स इट विल कन्वर्ट एज अ जीरो वैल्यू, और अगर सपोज आर से ग्रेटर देन है आपके इनपुट इमेज की पिक्सल, दैट इज इट विल कन्वर्ट इन अ वन वैल्यू, मीन्स अ लाइटर वैल्यू. तो अगर हमने आपको नोटिस किया हो, आपने हमने अब एक ऑपरेशन अप्लाई किया था टू कन्वर्ट द बाइनरी ग्रे स्केल इमेज इन टू द बाइनरी इमेज, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है? वो यही एक तरीके काइंड ऑफ हमने फंक्शन अप्लाई किया था, दैट इज अ पॉइंट प्रोसेसिंग, और वी कैन से दैट स्पेशल डोमेन टेक्निक्स फॉर अ इमेज एनहेंसमेंट, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अभी आपको पॉइंट प्रोसेसिंग का डिस्कशन किया है. नेक्स्ट,
पॉइंट प्रोसेसिंग में आपने नोटिस किया स्मॉलर रेंज ऑफ इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू द लार्जर रेंज ऑफ आउटपुट, वेरी नैरोअर रेंज ऑफ ओरिजिनल इमेज हैज बीन मैप्ड टू वेरी वाइड रेंज ऑफ इन एनहेंस्ड इमेज, दैट इज द एनहेंस्ड इमेज पिक्सल पार्ट, दिस वन इज द ओरिजिनल इमेज पिक्सल पार्ट। क्लियर था? इस तरीके से हमने फंक्शन डिनोट किया था, ये भी मैंने नेक्स्ट आपको डिस्कस कर दिया। अगर आप इस तरीके के फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज द थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन विच इज यूज टू कन्वर्ट द ग्रे स्केल इमेज टू द बाइनरी इमेज। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपकी वैल्यू, सॉरी अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी जीरो, अदरवाइज वन। इस तरीके से हमने थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन आपका अप्लाई किया था, ठीक है। सॉरी अगर इस सपोज दैट इज अ इनपुट इमेज पिक्सल आई, अगर आई इमेज से पिक्सल की वैल्यू लेस देन होगी देन इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू द जीरो, अगर ग्रेटर देन होगी तो इट शुड कन्वर्टेड इन टू द वन वैल्यू। सो वी कैन से दैट ग्रे स्केल इमेज कन्वर्टेड इन टू द बाइनरी इमेज विद द हेल्प ऑफ द थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्डिंग फंक्शन। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट मैंने आपको मास्क ऑपरेशन अभी बताया था। मास्क ऑपरेशन बेसिकली अभी आप पॉइंट प्रोसेसिंग कर रहे थे तो हमने नेबरहुड का साइज क्या लिया था, सपोज आप इस पिक्सल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने नेबरहुड का साइज क्या लिया था, 1x1। इट मींस हमने सिर्फ और सिर्फ इसी पिक्सल को कंसिडर किया था। अगर हम मास्क ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसके नियर, मास्क ऑपरेशन में 3x3 बेसिकली साइज ऑफ द मास्क मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम 3x3 मास्किंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारे पिक्सल भी आपके पास क्या आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर पिक्सल की इंटेंसिटी को चेंज करने में हेल्प करेंगे। किस तरीके से वो फंक्शन होता है उस हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज अ जी इज डिनोटेड एज अ एनहेंस्ड इमेज पिक्सल ऑफ दिस लोकेशन एंड XY is denoted as the original image intensity of a pixel, right? तो किस तरीके से हमें एक particular intensity, इस location पर अगर मुझे intensity find out करनी है तो you can apply that formula। अगर आप summation, ये क्या लिखा है, summation i minus 1 to 1 j minus 1 to 1 and wij is a masking weight and f is a original image pixel, that is in bracket fx plus i comma y plus j, right? Suppose आप अगर minus 1, i की value minus 1 होगी और अगर ये हम perform करेंगे, आप notice करेंगे i is minus 1, w minus 1, suppose j is also minus 1, w minus 1 minus 1, f is x minus 1 comma y minus 1। नेक्स्ट होगा i की वैल्यू क्या थी आपके पास, माइनस 1। नेक्स्ट j सपोज आपके पास 0 हो गया तो f इज x minus 1 comma y। तो आप नोटिस करेंगे सपोज माइनस 1 comma 1 ये अगर पिक्सल, ये मास्किंग मैट्रिक्स का कोफिशियंट है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, दिस पिक्सल से हमने मल्टीप्लाई किया। देन ऑलवेज हम समेशन करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो ओवरऑल आपको इस इंटेंसिटी की अपग्रेडेशन वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द अपग्रेडेशन ऑफ एनहेंस्ड इमेज पिक्सल। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें, मास्किंग ऑपरेशन और पॉइंट ऑफ प्रोसेसिंग में? आंचल, मनदीप, प्रवीण, शिवांगी, आवाज नहीं आ रही है अभी, वंदना? सर इट्स क्लियर। ओके, आई थिंक पॉइंट प्रोसेसिंग और मास्किंग ऑपरेशंस क्लियर है। देन पॉइंट प्रोसेसिंग अभी हमने पढ़ तो लिया, दैट अगर हम पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स और कोई एक्सप्लोर करें किस तरीके से, सपोज आपको इमेज नेगेटिव, एक टेक्निक है आपको किसी भी इमेज का पर्टिकुलर नेगेटिव क्रिएट करना है, तो नेगेटिव किस तरीके से क्रिएट करोगे,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस करें, नेगेटिव मीन्स जो भी आपके पास अगर जीरो पार्ट है वो आपके पास बेसिकली डार्कर पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, लाइटर पार्ट में, एंड और लाइटर पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, डार्कर पार्ट में। ये क्लियर है? मैंने इंटेंसिटी की वैल्यू से डिफाइन कर दिया, बिकॉज 255 ऑफ इन ग्रे स्केल इमेज शोज दैट द लाइटर पार्ट ऑफ दैट इमेज, लाइटर पार्ट किस में शो हो जाए, कन्वर्ट हो जाए जीरो में। सपोज आपके पास कोई भी ग्रे स्केल इमेज है, आपने नोटिस किया अगर आप इस फंक्शन से पास करेंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, इमेज नेगेटिव। तो हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो अगर इस इमेज इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन कैलकुलेट करूँगा अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन, वी फाइंड दैट एल माइनस वन इक्वल टू आर, एस इक्वल टू एल माइनस वन इक्वल इन टू आर। बेसिकली एल इज अ, सपोज अगर मैं 8 बिट की बात करूँ तो 256 लेवल, एंड रेंज ऑफ दैट लेवल इज 0 टू 255, राइट? इट मीन्स एल इज एट एल इक्वल टू 256। मैं इजीली अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो 255 माइनस आर लिख सकता हूँ मैं इस फंक्शन को। अगर मैं यहाँ नोटिस करूँगा तो 0 अगर मैं आर की वैल्यू डालूंगा, तो इनपुट डालूंगा, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 255। इट मीन्स डार्कर पार्ट कन्वर्टेड इन टू द लाइटर पार्ट, एंड इफ इनपुट वैल्यू आर इज 255 देन आउटपुट कम्स टू 0, इट मीन्स लाइटर पार्ट कन्वर्टेड टू द जीरो पार्ट, डार्कर पार्ट, राइट? दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ इमेज नेगेटिव। इस तरीके से हम इमेज का नेगेटिव ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसको अच्छा मैटलैब की हेल्प से इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपको अगर करना है तो हम क्या करते थे, इमेज को रीड करते हैं। तो किस क्या लगे, सपोज हमने एक लिखा आई एम रीड कैमरा मैन डॉट टी आई एफ, दैट इज अ ग्रे स्केल इमेज। मैटलैब प्लेटफॉर्म विजिबल है सबको? यस सर, इट्स विजिबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, आई एम रीड में रीड किया हमने मैट्रिक्स को। अब आपको पता है कि आप पिक्सल्स पॉइंट प्रोसेसिंग करना है, बेसिकली पिक्सल को चेंजेस करना है। तो आपको इक्वेशन भी पता है कि न्यू पिक्सल की इंटेंसिटी क्या होगी, 255 माइनस ओरिजिनल पिक्सल इज इंटेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड कर लिया, सपोज हम शो करना चाहते हैं आई एम शो के, तो आप नोटिस कर लेंगे कि इमेज आपके पास इस तरीके से शो हो रही है। राइट, इस तरीके से आपके पास इमेज शो हो रही है। नेक्स्ट अगर मैंने सपोज कोई भी हम अगर पॉइंट प्रोसेसिंग नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी इमेज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था कि ये आपका टाइप कास्ट क्या है, अनसाइंड इंटीजर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने बी एक नेक्स्ट इमेज ले लिया, उसमें हमने क्या किया, उसको डबल में कन्वर्ट किया, टाइप कास्ट किया डबल ए। तो अब हम इसको ईजिली बी में क्या आ गया आपका, टाइप कास्ट कर दिया, उसका जो वैल्यू हो गई डबल फॉर्मेट में हो गई। अब इसके पिक्सल को आप चेंज कर सकते हैं, तो आपने न्यू पिक्सल लिखा एस इक्वल टू 255 माइनस ओ पी, तो जो न्यू पिक्सल आ जाएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू द, ये आपके पास नेगेटिव इमेज पिक्सल शो हो जाना चाहिए, तो हमने इसको रन कर दिया, तो एस की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब आप अगर आपको इमेज को डिजिटल फॉर्म में लेके आना है, तो इस डबल को क्या करना पड़ेगा, अनसाइंड इंटीजर की फॉर्म में, देन अगेन वी हैव कन्वर्टेड द एस वैल्यू इनटू द अनसाइंड इंटीजर यू इंट 8, देन पास द वैल्यू ऑफ एस। यू कैन सी दैट द इन मैट्रिक्स डी यू फाइंड दैट द इट्स वैल्यू का इन द फॉर्म ऑफ अनसाइंड इंटीजर, राइट? तो अगर आपको शो करना है देन यू कैन राइट आई एम, नेक्स्ट फिगर हम कर लेते हैं फिगर वन सपोज। ओके, फिगर वन ऑलरेडी है यहाँ पर, फिगर टू और हम ब्लैंक फिगर ले लेते हैं। फिगर टू हमने ब्लैंक ले लिया, उसके बाद अगर हम आई एम शो करेंगे,
I am show D. ये आपने नोटिस किया, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज अगर मैं दिखा पाऊँ, हाँ ओरिजिनल इमेज हमारे पास किस तरीके की थी, इस तरीके की थी, और हमने ये कंसेप्ट लगाया, मैथमेटिक्स अप्लाई किया और इसको शो किया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द इमेज नेगेटिव फॉर्म। तो फंक्शंस जिस तरीके से भी आपके पास अवेलेबल हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। क्लियर है आंचल? यस सर। इमेज नेगेटिव दिख रहा है? ठीक है, आपको बेसिकली क्या थ्योरेटिकली कंसेप्ट आपको पता है तो उसको आप कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए हमने इसको थ्योरेटिकली कंसेप्ट बता के आपको कोडिंग में इसको कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इज द इमेज नेगेटिव का मैंने आपको एक एग्जांपल शो कर दिया। नेक्स्ट इज द पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक इज अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में मैंने आपको क्लियर बताया था कि जैसे सपोज आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर लोअर रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल कन्वर्टेड इनटू द हायर रेंज ऑफ एनहेंस्ड इमेज, राइट? तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज अगर कोई भी इमेज आपकी डार्क शो हो रही है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो डार्क शो हो रही है। सपोज डार्क, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रियल में डार्क हो, इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्रीन वाज डार्क, या ये पॉसिबिलिटी है डायनेमिक रेंज ऑफ अ सेंसर वाज स्मॉल। डायनेमिक रेंज मींस सपोज आपकी जो पिक्स आपने किसी कैमरे से सपोज पिक्सल इमेज को सेंस किया, तो सपोज उसकी रेंज क्या है, 100 to 150 पिक्सल को ही वो इंसर्ट करेगी, तो क्या है कि उसकी डायनेमिक रेंज क्या स्मॉल है, और वो क्या शो करना है आपको, ग्रे स्केल इमेज, और ग्रे स्केल इमेज की रेंज क्या होती है, 0 to 255। अगर डायनेमिक रेंज आपकी क्या कहते हैं सेंसर्स की स्मॉल है, तो भी रीज़न हो सकता है। देन अपर्चर कैमरा वॉज नॉट प्रॉपरली सेट, सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द कैमरा। अगर सपोज कैमरा में लाइट ही एंटर नहीं कर रही है जिससे आपको इल्यूमिनेट करना है उस चीज़ को, तो इस तरीके की वजह से आपकी पिक्चर्स डार्क आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं दैट टेक्निक, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या हुआ हमारे पास, इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग हमने देखो यहाँ पर हमने एक अभी हमने जब नॉर्मल स्पेशल डोमेन टेक्निक आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमने इस तरीके का एक फंक्शन आपको ड्रा किया। दिस इज द लोअर रेंज ऑफ इनपुट पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू द हायर रेंज ऑफ एनहेंस्ड इमेज। सिमिलरली अगर मैं नॉर्मल केस की बात करता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग बेसिकली है क्या, तो इस तरीके का अगर कोई फंक्शन है, सपोज आपके पास यहाँ देखा हमने R1 वन यहाँ तक जा रहा है, देन दिस इज R2 टू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिस टाइप, एंड दिस फंक्शन इज डिनोटेड बाई आर टी आर कम्प्लीट, एंड दिस इज द इनपुट रेंज, एंड दिस वन इज द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द एनहेंस्ड इमेज। इस तरीके का अगर रीज़न है, तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमने स्मॉलर रीजन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लार्जर रीजन में। दैट इज सिंपल फंक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो अब कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में कुछ रूल्स हैं, किस तरीके से हमको R1 और S1 की वैल्यू को असाइन करना है। सपोज R1 इक्वल टू R2 एंड S1 इक्वल टू S2। अगर इस तरीके की कंडीशन है, इट मींस इस फंक्शन को मैं ड्रॉ करूँगा तो किस तरीके का फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा, वेट अ मिनट, इस तरीके का सॉरी स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ होगी। स्ट्रेट लाइन मींस यहाँ पर कहीं आर, ये पॉइंट होगा आर वन एस वन, और वी कैन से दैट आर टू एस टू, बिकॉज आर वन इक्वल टू एस वन एंड एस वन इक्वल टू एस टू। तो इस तरीके का अगर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन आप नोटिस करेंगे, जो वैल्यू आर की है वही एस की वैल्यू आएगी। इट मीन्स जो भी आपने इनपुट इमेज इस फंक्शन को देंगे
उसी तरीके की आउटपुट इमेज पॉसिबल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग फिनोमिना। तो आपकी आर वन और आर टू वैल्यू को सेम नहीं होना है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के लिए, आर वन शुड बी लेस देन आर टू एंड एस वन शुड बी लेस देन एस टू, तभी आपके पास कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग आप फंक्शंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप नोटिस करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है इफ़ आर वन एस वन इक्वल टू आर टू एस टू, मीन्स पॉइंट अगर आपने सेम कर दिया तो आपने क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं होगी, जो भी आपने इनपुट फंक्शन दिया वही आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो दैट इज़ नो वेरिएशन। फॉर एनहेंसमेंट आर वन शुड बी लेस देन इक्वल टू आर टू, सॉरी इक्वल टू साइन नहीं आएगा यहाँ पर, इक्वल हो जाएगा तो नो वेरिएशन की कंडीशन आ जाएगी। आर वन शुड बी लेस देन आर टू एंड आर टू एस वन शुड बी लेस देन एस टू। तो इस तरीके की अगर कंडीशन है तो क्या हो जाएगा आपके पास, इमेज एनहेंसमेंट कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग से बेसिकली बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो आपने नोटिस किया कि डार्कर दिस साइड शोज अ डार्कर पार्ट, तो डार्कर पार्ट को हमने डार्कर में ही कन्वर्ट किया, डार्कर पार्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू डार्कर और लाइटर इंटेंसिटी लेवल, ये रीज़न इनपुट लेवल का लाइटर इंटेंसिटी लेवल के कन्वर्ट होता है, लाइटर इंटेंसिटी लेवल ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द लाइटर पार्ट। तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में यही कंसेप्ट रहेगा, बट इमेज नेगेटिव में आपके पास डिफरेंट हो जाता, रिवर्स हो जाता। तो वी कैन से दैट डार्क विल बी डार्कर, लाइट विल बी लाइटर, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज मेंटेन, ये मेंटेन रहेगा ऑर्डर इंटेंसिटी वैल्यू का, डार्क डार्क रहेगी, लाइट लाइट रहेगी। नेगेटिव इमेज नेगेटिव के केस में ये कंडीशंस रॉन्ग है, हमने प्रूव भी करके दिखाया है आपको, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा था हमने, अभी कोडिंग भी करी थी, इसका कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये अभी मैं बना के आपको सेंड कर दूंगा किस तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ डायनेमिक रेंज ऑफ कंप्रेशन। डायनेमिक रेंज ऑफ कंप्रेशन मीन्स सपोज आपके पास क्या हुआ कि जो आपके पास सेंसर था या कोई भी आपके पास कैमरा है, उसका जो रेंज है, इनपुट रेंज है, इंटेंसिटी रेंज है, सपोज उसकी रेंज आपके पास 0 to 1000 लेवल, सपोज इतने लेवल्स हैं ग्रे लेवल्स, आपको इस इमेज के आपके पास ग्रेवल लेवल्स बहुत हैं, लेकिन आपके पास जो डिस्प्ले पार्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ आप 256 लेवल्स मीन्स 0 to 255 की आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये जो ग्रे लेवल्स हैं इनको कंप्रेस करना पड़ेगा इन दैट लेवल। तो विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक रेंज कंप्रेशन टेक्निक्स यू कैन कंप्रेस द इनपुट इमेज ग्रे लेवल इनटू द रिक्वायर्ड इमेज ग्रे लेवल। तो आप नोटिस करेंगे कि ये रेंज जो आपके पास ज़्यादा है, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ 0 to 1000 है, तो आपने फाइनली कन्वर्ट किया तो 0 to 255 में आपके पास इमेज को एनहेंस कर लिया, या प्रोसेस्ड इमेज, वी कैन से दैट प्रोसेस्ड इमेज। तो प्रोसेस्ड इमेज आपके पास इस तरीके की आ गई। तो बेसिकली आप अगर आपके पास डिस्प्ले की क्वालिटी इस तरीके से है कि आप 0 to 255 में आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो आप प्रोसेस्ड इमेज को ईजिली एंड क्लियरली विजिबल फॉर्म में ला सकते हैं। तो दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ डायनेमिक रेंज कंप्रेशन टेक्निक। तो डायनेमिक रेंज कंप्रेशन टेक्निक में अभी हम कोड्स की हेल्प से भी आपको बता देंगे इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या कन्वर्ट हुआ, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपके पास जो फंक्शन होगा वो होगा फैक्टर सम फैक्टर सी एंड द इंटेंसिटी वैल्यूज पावर इज अ गामा। तो आप अगर इस फंक्शन को दैट इज़ अ ओरिजिनल इमेज वैल्यू आर दैट इज़ अ एस वैल्यू प्रोसेस्ड इमेज इंटेंसिटी वैल्यू
आप नोटिस करेंगे अगर गामा की वैल्यू 0. बेसिकली लेस देन 1 है तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो रहा है, और अगर 1 है तो सिंपल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बिकॉज एस इक्वल टू सम फैक्टर सी इंटू आर, इस तरीके से लाइन आ जाएगी। देन अगर आपके पास गामा की वैल्यू लेस देन 1 है तो अपवर डायरेक्शन में मूवमेंट है कर्व का। देन इफ गामा वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व है, राइट। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर कि अगर मैं एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट पेज में, दैट इज द इनपुट इमेज इंटेंसिटी वैल्यू आर, दैट इज द आउटपुट इमेज प्रोसेस्ड इमेज इंटेंसिटी वैल्यू आर। अगर मैं इस तरीके का कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, इट मीन्स गामा, थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ये हमने इस तरीके का आपने कन्वर्ट किया सपोज, आप नोटिस करेंगे कि लार्जर रीजन ऑफ अ इनपुट इमेज बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द रेंज ऑफ सपोज A1 एंड A2, लार्जर रीजन ऑफ द इनपुट इमेज कन्वर्टेड इनटू टू द डार्कर पार्ट। तो जो भी आपके पास इनपुट इमेज होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, राइट। अगर मैं सपोज गामा की वैल्यू यहाँ पर क्या था, ग्रेटर देन 1, अगर मैं गामा की वैल्यू लेस देन 1 करता हूँ तो किस तरीके का कर्व मैंने दिखाया आपको, इस तरीके का कुछ कर्व आएगा। इट मींस लार्जर रेंज ऑफ इनपुट वैल्यू कन्वर्टेड इनटू द लाइटर पार्ट। तो थोड़ा सा अगर लाइट हो जाएगा तो बेसिकली गामा की वैल्यू अगर कम करेंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं कोड की हेल्प से आपको और क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट इज़ अ, आई थिंक क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ अ ग्रे लेवल इमेज, यहाँ पर ग्रे लेवल स्लाइसिंग। ग्रे लेवल स्लाइसिंग से हम एक बार कंप्लीट करके इसको क्लोज करेंगे, देन लास्ट स्टेप इज़ अ कोडिंग पार्ट। ग्रे लेवल स्लाइसिंग मीन सपोज आपके पास कोई भी इनपुट इमेज है, आपको इस तरीके का फंक्शन ड्रॉ करना है कि आपके पास अगर पिक्सल की वैल्यू पर्टिकुलर इंस्टेंट से कम है, ए से कम है, तो आप एक फिक्स इंटेंसिटी लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं। सपोज S1 आपने कर दिया, एंड इन बिटवीन ए एंड बी रेंज ऑफ पिक्सल इनपुट इमेज पिक्सल, देन यू कैन एनहेंस दैट पिक्सल रेंज इनटू द S2, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, आपको एनहेंस कर दिया इस रेंज के पिक्सल की इंटेंसिटी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज आप नोटिस करेंगे हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ पिक्सल को ही एनहेंस करना है और बाकी रेंज ऑफ पिक्सल को, बाकी इमेजेस को हमें कॉन्सेंट रखना है। तो आप ग्रे लेवल स्लाइसिंग इस तरीके से कर सकते हैं। आपने नोटिस किया था कि जब हम ओरिजिनल इमेज अगर रहेगी तो अगर हम ये फंक्शन पास करेंगे तो इस इंटेंसिटी को यही इंटेंसिटी पास करेगी, तो कोई भी प्रोसेस्ड इमेज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट पर्टिकुलर रेंज ए टू बी की रेंज में आप नोटिस किया कि हमने इस इंटेंसिटी वैल्यू को यहाँ पर, अगर ओरिजिनल इमेज की बात करें तो यहाँ पर रहेगी इंटेंसिटी, तो हमने कहाँ कर दिया इसको, लाइक कन्वर्ट कर दिया एनहेंस्ड इमेज, हमने इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो हम पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटेंसिटी को भी हम एनहेंस्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रे लेवल स्लाइसिंग, राइट। तो ये फंक्शन आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, मैनिपुलेशन करेंगे तो आप कोड में हेल्प कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज अगर हम आपको अभी वो लॉगरिथमिक बेसिकली फर्स्ट इज अ डायनेमिक रेंज कंप्रेशन एंड सेकंड इज अ पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों का कोड आपको क्लियर कर देते हैं एक बार। ये कोड मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमने क्या किया,
रीड करते हैं इमेज को, तो हमने क्या किया, रीड कर दिया, रीड कर दिया यहाँ पर। अभी अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन लगाना है तो हम इस तरीके से थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते थे। हमने यहाँ किया था इंटेंसिटी ऑफ इनपुट इमेज इज ग्रेटर देन, अगर 1 to 0 है तो ये बाइनरी इमेज में कन्वर्ट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। अगर मैं शो करूँगा ये आपके पास बाइनरी इमेज कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ अ थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन। सपोज़ आपको किसी हर एक पिक्सल वैल्यू में आपको सपोज इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज करना है, कुछ ऐड करना है, तो ऐड किस तरीके से करते हैं, आई एम ऐड एक फंक्शन है, उस केस में आपको जो ओरिजिनल इमेज की वैल्यू, अगर आप फंक्शंस की हेल्प से एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको इनपुट इमेज की जो अनसाइंड इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली आप सपोज ऐड का ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, देन यू कैन सीन इन दिस फिगर, यहाँ पर आप ऐड अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली आपने इंटेंसिटी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो बेसिकली थोड़ा सा लाइटर हो गया पार्टी, ठीक है। तो ओरिजिनल इमेज आपके पास क्या थी, ये थी आपके पास ओरिजिनल इमेज, और आपने ये नोटिस किया ये थोड़ा लाइटर होगा क्योंकि आपने इंटेंसिटी वैल्यू ऐड कर दिया। नेक्स्ट सपोज आप इंटेंसिटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉइंट प्रोसेसिंग जो भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंटेंसिटी लेवल 0 के नियर अबाउट ला रहे हैं तो बेसिकली डार्क हो गया, राइट। सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा सकते हैं, डिवाइड ऑपरेशन लगा सकते हैं, वो नोटिस करना पड़ेगा कि डिवाइड ऑपरेशन से बेसिकली अगर आप डिवाइड 0.5 से कर रहे हैं, 1 को अगर 0.5 से डिवाइड करते हैं तो इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आप नोटिस करेंगे तो ये क्या इमेज फिर से लाइटर हो गया। अगर आप डिवाइड 1 से ग्रेटर देन क्वान्टिटी से करेंगे, जैसे सपोज फिर से कर देते हैं, 1 से ग्रेटर देन क्वान्टिटी में 0.5 की जगह हमने 2 लिख दिया, तो हम अगर आप नोटिस करेंगे इसको रन किया तो थोड़ा डार्क हो गया, तो पिक्सल वैल्यू क्या हो गई, 0 के नियर अबाउट जा रही है। तो ये बेसिक्स फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन करने का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोड में आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट इज़ अ लॉगरिथमिक ऑपरेशन। लॉगरिथमिक ऑपरेशंस में मैंने क्या बताया था आपको, बेसिकली इमेज की रेंज को डायनेमिक रेंज कंप्रेशन टेक्निक है, रेंज कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज मैंने इस तरीके से आपको यहाँ कोड रन किया, देन यू कैन सी दैट दिस इज, आपके पास बिफोर इमेज ये था, आफ्टर इमेज ये है, वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक फैक्टर, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम जज कर सकते हैं, नेक्स्ट इज द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पावर लॉ एक्सपेंशन। अगर हम इसको नोटिस किया, हमने एक कोड बनाया था इसका CLC, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आप नोटिस किया यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू चेंज करना था, तो हमने इसे कन्वर्ट करके फॉर लूप लगा के यहाँ कन्वर्ट किया, देन हमने अभी पावर फैक्टर क्या लिख रखा है यहाँ पर, 2, राइट। 1 से ग्रेटर देन 1 से अगर ग्रेटर देन लिख रहे हैं, इसका मतलब कौन सा केस है यहाँ पर, 1 से अगर ग्रेटर देन वैल्यू ले रहे हैं तो आपके पास ये कौन सा केस है, ये वाला केस है। तो आपने भी देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेंज इज कन्वर्टेड इनटू द डार्कर पार्ट, तो बेसिकली इमेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो बिफोर आफ्टर का मैंने सबप्लॉट अप्लाई किया, बिफोर में क्या थोड़ा लाइट था और आफ्टर के बाद देखो डार्क हो गया, आफ्टर इमेज प्रोसेसिंग डार्क इमेज हो गया, ठीक है। तो अगर सपोज नेक्स्ट मैंने फिर से यही कोड लिया, अब मैं पावर की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 0.3 वैल्यू रख दिया, अगेन मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मैंने आपको थ्योरेटिकली आपको बताया दैट इमेज शुड बी ब्राइटर। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा आप नोटिस करेंगे बिफोर इमेज आपके पास ये दैट इज़ अ ओरिजिनल इमेज, दिस वन इज़ अ ब्राइटर इमेज। तो आई थिंक क्लोज करते हैं आज का सेशन, किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। Please reply anyone. No, sir. Clear, sir?
तो एक आपके पास एक मैं टास्क दे देता हूँ आपको। यस देखो, सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कीजिए, सेशन टाइम क्लोज हो रहा है। एक मैं टास्क दे रहा हूँ आपको कि आपको इसका कोड थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, किस केस में? कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के केस में। अगर सपोज आपके पास ये कंडीशन है, ये पर्टिकुलर कंडीशन है, तो आपको इसका कोड डिज़ाइन करना है, राइट? ठीक है, और आप हेल्प ले सकते हैं, मैं अभी आपको कोड सेंड कर दूंगा, उस कोड की हेल्प ले सकते हैं। किस तरीके से आप एल्गो लगाइए इसको, किस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है? तो आप अटेंडेंस लगा के लीव कर दीजिए।